कार इस समय हमारे साथ है निकिता कंवर, जिसने नागौर जिले को टॉप किया है सीनियर कलावर के अंदर, और यहाँ आज देश विरोधी क्षेत्रीय संघ का जो प्रतिभा सम्मान समारोह है उसके अंदर वो बच्ची यहाँ पहुँची है। वो बच्ची इस समय हमारे साथ है जो उसने सीनियर कलावर के अंदर 98% अंक हासिल किए और नागौर जिले को टॉपर किया है। बेटा, सबसे पहले तो हमारे न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। निकिता, आपने किस प्रकार की तैयारी की, थोड़े बताएं जो बच्चे इस समय आपको चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। कितना घंटे आप पढ़ते थे? मैं मिनिमम 5 से 6 घंटे पढ़ाई करती थी, और जब से 12th क्लास स्टार्ट हुई उसी टाइम से 3-4 घंटे शुरू में, और एग्जाम के आते आते 5-6 घंटे। और ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया 3 दिन पढ़े, डेली पढ़ाई की और वो कंटिन्यूटी बनाए रखी 5 से 6 घंटे की पढ़ाई की। और एग्ज़ाम के टाइम तो पढ़ना ही होता है, घर का काम तो कुछ है नहीं। नहीं तो हमें सुनने को ये मिला कि आपके पापा जी भी स्टेट ऑफ राजस्थान से बाहर रहते हैं, तो आप किस प्रकार की घर पे बैठ के तैयारी करती थी, घर का किस प्रकार का आपका सहयोग रहा, थोड़ा ये बताएं आप। घर में मेरा दादाजी और मेरी दादी सब फुल सपोर्ट करते थे, कोई ऐसा नहीं है कि काम के लिए फोर्स नहीं करते, काम करना ही पड़ेगा, वो फुल पढ़ाई के लिए सपोर्ट करते थे। और मैं 5 से 6 घंटे तो स्कूल में, बाद में घर पे आके स्टडी, सेल्फ स्टडी करते। अच्छा, तो जैसे पेपरों के जो एग्ज़ाम नज़दीक आए तो उस टाइम पढ़ने का क्या शेड्यूल था, जब आपके एग्ज़ाम हुए तो आपको ये अनुमान था कि इतने नंबर बढ़ेंगे अपने? हाँ, इतना तो था कि 95+ तो आ जाएंगे। जी जी, तो आपने 95 क्रॉस कर लिया, 98, और आपने नागौर ज़िले में टॉपर है, तो राजस्थान में कौन सा स्थान रहा आपका? 5th रैंक है राजस्थान में, 5वां नंबर रहा आपका। तो जब रिजल्ट आया तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी हुई रिजल्ट आने के टाइम, तो मेरे भाई ने बताया था कॉल करके कि 98%, तो एक बार तो बिलीव नहीं हुआ जी, फिर खुशी तो हुई जी। आगे बच्ची की मासी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करना चाहें। जो बच्ची ने राजस्थान में 5वीं रैंक हासिल की है और 98% नंबर हासिल किए, और आज राजपूत विकास जो अपने देश विरोधी क्षेत्रीय संघ है समाज का, वहाँ बच्ची को सम्मानित किया गया है, तो आपको जो तालियों की गड़गड़ाहट बज रही, तो आपको कैसा लगा? बहुत खुशी हुई सर, बहुत खुशी ना हमको तो, उसका जब रिजल्ट आया तब भी बहुत खुशी हुई थी ना, बहुत सब पूरा परिवार में इसने पहला अपना नाम किया ना, बहुत खुशी हुई है। तो और भी आपके जो बच्चे हैं परिवार के हैं, तो उनका क्या कुछ उनसे के बच्चे हैं, बाकी भी अच्छे हैं, लेकिन ये सब ने आज टॉपर किया है ना सबसे। आगे बात करना चाहेंगे बच्ची के मासूम साहब हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो हमारा न्यूज़ चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर आपका। इस बच्ची ने मतलब उस जीरो लेवल से मेहनत करी है, इसके साथ के मतलब चाचा ताऊ कैसे करके अगर 10-12 भाई बहन हैं, पूरे पूरे कम्प्लीटली बीकानेर, जयपुर और हैदराबाद पढ़ाई कर रहे हैं, ये गांव में पढ़ाई करके और जो स्टैंड अप किया है सराहनीय योग्य है, और बहुत ही ज़बरदस्त किया इसने। इसके दादा साहब दादी साहब का सपोर्ट रहा फुल, और खुद इसकी लगन और मेहनत मतलब काबिल तारीफ। आगे ये बच्ची क्या बनना चाहती है, क्या करना चाहती है, या आप क्या कराना चाहते हैं, ये कोई सोचा आपने? हाँ, ये UPSC करेगी, क्लियर करेगी, जिस लगन से कर रही है ये UPSC करेगी क्लियर। तो इस समय आपको पूरे राजस्थान के जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, इससे जूनियर क्लास के हैं या बच्चों के अभिभावक हैं, वो आपको देख रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहूँगा? इसमें तो यही संदेश है कि जो मेहनत और लगन है, लगन से जो बच्चा आगे बढ़ेगा उसको कोई रोक नहीं सकता। इसमें शुरू के अंदर वहाँ पर बोले कुछ पक्षपात हो रहा है, मेरे से आधा नंबर फालतू दे दिया, मेरे आने था वो नंबर, ऐसा अब कोई नहीं, ये चीज़ टाइम लगा लेकिन वो चीज़ वो सब में ये टॉप रही वहाँ पर, और उसका रिजल्ट भी आया और पूरे टीचरों का भी सहयोग रहा, पूरे टीचर आए घर पे, आए घर के आके सभी ने बधाई बधुई दी, स्कूल के अंदर स्वागत किया, ये चीज़ें रही इनकी। तो ये बच्चे शुरू से ही इंटेलिजेंट थी या? वैसे इंटेलिजेंट शुरू से ही, लेकिन इसका रुझान क्या कि बच्चों के ऊपर फोर्स देके इसने अगर इसमें कला वर्ग को लेके, बल्कि ये आज आल अगर मतलब नेशनल लेवल के ऊपर कुछ इसका स्टैंड रहता, अगर यही बायो से होती तो अभी नीट का देती करती, तो वो चीज़ इसका बोले मेरा UPSC का है और मैं तो आर्ट ही देखूँगी और उसी में ही मेरा करना है, तो इसने ये किया। और अभी इसने अगर अपना वो फॉर्म भी भरा था कि CUT का एग्ज़ाम दूंगा, लेकिन कोई टॉप मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाए या कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मिल जाए तो मैं वहाँ से कर लूँगी, लेकिन फिर समझाने में कुछ हमारी भी कमियाँ रही
मम्मी पापा बोले कहाँ तू जोधपुर जाके सीयूटी का एग्ज़ाम दे पाएगी, ये वो, तो वो नहीं दिया, इसने फॉर्म भरा था, वो सीयूटी का एग्ज़ाम दिया होता तो अभी नेशनल लेवल के ऊपर इसका कहाँ स्टैंड है उसका भी पता लगता, लेकिन वो चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी अभी देखो इसका एडमिशन इधर महारानी के अंदर हो जाता है तो ये। मैं सर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि राजपूत समाज से आप हैं, आप आर्मी के एक सोल्जर है, राजपूत समाज में ये देखने को मिलता है कि बच्चियों को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में, तो बच्ची पढ़कर क्या करेगी, उसको आगे जाके घर बसाना है या चूल्हा चौके का काम करना है, तो उस धारणा के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये धारणा ये बिल्कुल सही है, उन धारणाओं से हम चारों तरफ से ओतप्रोत हैं, लेकिन फिर भी हम समझा रहे हैं, कर रहे हैं। आज वो मेरे काकू सा हैं, काकी सा हैं, उनको काफ़ी मतलब बताना पड़ रहा है कि आगे पढ़ के क्या करनी है, इनको तो वही चौका पोचा घर का काम करना है, आगे इतना पढ़ा लिखा के करना क्या है। नहीं, आज समय वो नहीं है, चौका पोचे वाला वो समय नहीं रहेगा, पढ़ाना पड़ेगा, और अगर बच्चियां पढ़ाई कर रही है तो करानी पड़ेगी, जैसे बच्चियां कह रही है वैसा चलना पड़ेगा, समय इजाज़त नहीं दे रहा है, तो हो रहे हैं साथ साथ रोल हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, वो पुराने विचारों के विचारधाराओं के हैं, वो बोलते हैं कि हमारी यही उम्र थी तो हमारी तो शादी हो गई थी, इन इसकी दादी साहब बोलती है कि मेरी थी इस उम्र के अंदर तो मैं ससुराल में आ गई थी, अब इससे बड़ी है वो भी यहाँ घर पढ़ रही है, अभी MSc कंप्लीट करी है इसकी बड़ी बहन है वो, तो वो चीज़ आगे बात करना चाहेंगे। बच्ची के मासी जी हमारे साथ हैं, तो आप एक महिला होने के नाते हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है कि बच्ची को आगे पढ़ाया नहीं जाता, कि ये बच्ची पढ़कर क्या करेगी, आगे ससुराल जाएगी तो घर का काम करना पड़ेगा, बच्चियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहते, तो एक महिला होने के नाते आप क्या कहोगे? नहीं सर, हमारा तो यही कहना है कि बच्ची को पढ़ाओ, आगे ये काबिल हो, अपने पैरों पर खड़ी हो, हम तो यही चाहते हैं, ये नहीं है कि चूल्हा चौका करे, ऐसा कोई मकसद नहीं है। नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की ये ज़्यादा धारणा रहती है कि बच्चियों को पढ़ाकर क्या करना है। नहीं, हमारा तो फुल सपोर्ट है, ये दो बहनें हैं, दो छोटे मेरे देवर की और हैं, उनको सबको पढ़ा रहे हैं, जो हमारे भी मायके में हैं उनको भी पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम तो ये सोच रहे हैं कि ये पढ़े आगे बढ़े ना, ये चूल्हा चौका वाला हमारा नहीं है ना। बच्ची के मासी जी जो हमारे साथ है इस समय, उनका ये कहना है कि चूल्हा चौका वाली परंपराएं अब ख़त्म हो चुकी है, दूर चली गई है, बच्चियों को शिक्षित किया जा रहा है, बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है, इसी प्रकार देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। कैमरा जर्नलिस्ट सावंतवाल पूनिया के साथ जयपुर से बजरंग सिंह शेखावत।